हाय, द टॉपिक इज़ ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये एडा की फोर्थ यूनिट में ब्रांच एंड बाउंड स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आती है। इस प्रॉब्लम में आज हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एक्चुअल में। लेटर ऑन हम बात करेंगे कि ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक कैसे अप्लाई होती है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में, और फाइनली हम एक प्रॉब्लम लेंगे टेक्स्ट बुक से और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि उसकी क्या प्रोसीजर है। हम बात करें अगर कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। इस प्रॉब्लम के अंतर्गत हम एक प्रेडिक्शन करते हैं कि एक कोई सेल्समैन है, उसको कुछ गिवन नंबर ऑफ सिटीज़ हैं, उस सेल्समैन को उन सारी सिटीज़ को इन सच अ वे विज़िट करना है कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इन सारी सिटीज़ को विज़िट करने के लिए, या फिर अगर हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहें कि वो जो कॉस्ट लग रही है उस उन सारी सिटीज़ को विज़िट करने के लिए, दैट मस्ट बी मिनिमम। इस क्वेश्चन में हमें दो में से एक चीज़ दी जाएगी, या तो वेटेड ग्राफ दिया जाएगा जिससे कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स हमें खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, या फिर प्रायः देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स दी जाती है। ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक कैसे अप्लाई होती है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चार नोड का एक ग्राफ लिया जिसमें हर एक नोड एक पर्टिकुलर सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये माना कि एक सेल्समैन है, उसको इन चारों सिटीज़ में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, और वो जो कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है इन सारी सिटीज़ को विज़िट करने के लिए, दैट मस्ट बी मिनिमम। अब सेल्समैन किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकता है, या तो वो पहली सिटी, देन सेकंड सिटी, देन थर्ड सिटी, देन फोर्थ सिटी को विज़िट करे, या फिर वो फर्स्ट सिटी, सेकंड सिटी, फोर्थ सिटी या थर्ड सिटी को विज़िट करे। वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट एम एक ही है कि कॉस्ट मस्ट बी मिनिमम। इस प्रॉब्लम को स्टेट स्पेस ट्री के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। इस दिए गए ग्राफ में जो स्टेट स्पेस ट्री है, इसमें हम ये प्रिडिक्शन करते हैं कि हमारा सेल्समैन पहली सिटी में ऑलरेडी है। इसके बाद में उसके पास तीन ऑप्शन बचते हैं कि या तो सेल्समैन पहली सिटी से दूसरी सिटी पे चला जाए, या तो तीसरी पे, या तो चौथी सिटी पे। इसके लिए कैलकुलेशन होता है एक्चुअल में। सबसे पहले जब सेल्समैन एक फर्स्ट सिटी पे है तो एक अपर बाउंड वैल्यू प्रिडिक्ट की जाती है जिसको हम अभी यहाँ इनफाइनाइट मान के चल रहे हैं। देन फॉर एवरी स्टेप जो सेल्समैन लेगा किसी जिस सिटी में जाएगा, उसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सेल्समैन पहली सिटी में है तो पहली सिटी से दूसरी सिटी में जा सकता है, तो उसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितनी कॉस्ट आएगी। पहली सिटी से तीसरी में जा सकता है तो यहाँ भी कॉस्ट कैलकुलेट होगी। पहली सिटी से तीसरी चौथी सिटी में भी जा सकता है तो यहाँ भी कॉस्ट कैलकुलेट होगी, और जहाँ कहीं भी कॉस्ट मिनिमम होगी उस सिटी से उस सिटी को सेल्समैन विजिट करेगा, और उसी सिटी से आगे फर्दर दूसरी सिटीज़ में वो विजिट करने के लिए बढ़ेगा। यहाँ पे चौथे पॉइंट को आप जैसा कि देख सकते हैं कि सारे ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन एक्सप्लोर नहीं होंगे। यहाँ एवरी टाइम वही नोड एक्सप्लोर होगा जिसकी जिसमें विजिट करने के लिए कॉस्ट मिनिमम आई हो। इट मीन्स ईच एंड एवरी टाइम हम अपने सॉल्यूशन से नियरर और नियरर जाते जाते हैं, और फाइनली एट लास्ट हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम ली हुई है जिसमें कॉस्ट एडजेंसी मैट्रिक्स दी गई है। ये 5x5 की मैट्रिक्स है। इट मींस यहाँ 5 सिटीज़ हैं सेल्समैन को विजिट करने के लिए। डायगोनल में सारी वैल्यूज़ इनफाइनाइट हैं बिकॉज क्योंकि प्रेडिक्शन किया गया है कि कोई भी सिटी 2 times विजिट नहीं होगी, अदरवाइज़ जो कॉस्ट है ओवरऑल विजिट की वो इनक्रीज़ कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी। रेस्ट ऑफ दी जो वैल्यूज़ हैं वो एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाने के लिए जो कॉस्ट है वो वैल्यू कॉस्ट वैल्यू को बता रहा है। सॉल्यूशन स्टार्ट करने पर हम यहाँ सबसे पहले स्टेप पे जाते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि दी गई मैट्रिक्स की हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मीन्स हर एक रो और हर एक कॉलम में एक ज़ीरो का होना कंपल्सरी है। अगर किसी भी रो में ज़ीरो है या किसी भी रो में कॉलम है तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें उस रो में एक ज़ीरो का लाना कंपलसरी है। इसके लाने के लिए हम स्टेप ए और बी इन दोनों को फॉलो करेंगे। स्टेप ए में ये कहना है कि सबसे पहले हमें रो को देखना है।
तो हर एक रो में ज़ीरो का होना ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, उस रो की सबसे मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उस रो के बाकी के सारे एलिमेंट को उस पर्टिकुलर मिनिमम एलिमेंट से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने पे हमें हर एक रो में एक ज़ीरो मिल जाएगा। सेम प्रक्रिया हम अब कॉलम के लिए दोहराएंगे। अगर कॉलम में ज़ीरो नहीं है तो उस कॉलम के सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे और उस मिनिमम एलिमेंट से उस कॉलम के सारे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो फाइनली एट लास्ट हमें हर एक रो और हर एक कॉलम में एक ज़ीरो मिल जाएगा। जैसा मैंने कहा, इस प्रक्रिया को अपन दी गई अपनी रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे। तो हमने देखा कि चूंकि किसी भी रो में ज़ीरो नहीं था, पहली रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट 3 था, हमने 3 से उसको सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट रो में भी 3 था, हमने 3 से उसे सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट रो में 5, देन नेक्स्ट रो में 3, देन नेक्स्ट रो में 8। इस प्रकार जो सबसे मिनिमम एलिमेंट थे हर एक रो के, हमने उनको फाइंड आउट कर लिया और उस रो के हर एलिमेंट को उस मिनिमम एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया, और फाइनली हमें ये सेकेंड मैट्रिक्स मिलती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्टेप वी नीड टू कैलकुलेट दी ओवरऑल रिडक्शन इन रोज। इट मीन्स रोज में हमने टोटल कितना रिडक्शन किया। इसके लिए हमने वो जो मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट की थी, लाइक 3, 3, 5, 3, 8, इन सब का टोटल कर लेंगे और ये टोटल 22 है। सेम प्रोसेस हम कॉलम के लिए भी दोहराएंगे। चूंकि हम देखते हैं यहाँ कि पहले कॉलम, दूसरे, तीसरे और चौथे कॉलम में एक एक जीरो है, तो ये रिडक्शन इन कॉलम में अप्लाई नहीं होगा। बट लास्ट कॉलम में एक भी जीरो नहीं है, इसलिए हम इस कॉलम की सबसे मिनिमम वैल्यू 5 को फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद में हम सारे एलिमेंट्स को उस 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फाइनली हमें अपनी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टोटल रिडक्शन हमने कैलकुलेट किया कॉलम में, दैट इज 5। आफ्टर गेटिंग दी फाइनल रिड्यूस्ड मैट्रिक्स m, वी नीड टू कैलकुलेट दी ओवरऑल रिडक्शन, जो कि रो और कॉलम दोनों के रिडक्शन का समेशन है। यहाँ हम देखते हैं कि रो में हमने 22 का रिडक्शन किया था, कॉलम में 5 का रिडक्शन किया है। इस प्रकार जो टोटल रिडक्शन कॉस्ट आ रही है वो है 27। इस 27 की क्या मीनिंग है, फर्दर देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब अगर सेल्समैन हमारा पहली सिटी में है तो उसके पास चार ऑप्शन थे, या तो दूसरी, या तो तीसरी, या तो चौथी, या तो पांचवी सिटी में विजिट करें। वो किसी भी सिटी में विजिट करें, वो डिपेंड करेगा कॉस्ट पे। लेकिन जो 27 में है, ये हमने देखा कि 1 के पास में 27 लिखा है। इट मीन्स कि अगर सेल्समैन पहली सिटी से विजिट करना चालू करेगा तो मिनिमम 27 कॉस्ट तो आएगी ही, या उससे ज़्यादा आ सकती है लेकिन उससे कम नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास में चार कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे, जिसमें हम पहली सिटी से दूसरी सिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, पहली से तीसरी सिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, पहली से चौथी की और पहले से पांचवी की, और जिस जगह पे भी कॉस्ट मिनिमम होगी उसी सिटी से हम फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए करते हैं ये कैलकुलेशन। तो इसके लिए हमें स्टेप नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें कॉस्ट आई जे, यहाँ एक फंक्शन लिखा हुआ है कॉस्ट आई जे। एक्चुअल में आई क्या है और जे क्या है? आई रिप्रेजेंट टू द सोर्स नोड एंड जे रिप्रेजेंट टू द डेस्टिनेशन नोड। जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पे कि सेल्समैन को सिटी 1 से सिटी 2 पे जाना है, तो सोर्स सिटी है 1 और डेस्टिनेशन सिटी है 2। तो आई की वैल्यू हुई 1, तो जे की वैल्यू हुई 2। इस प्रकार हमें 1 पहली सिटी से दूसरी सिटी पे जाने की कॉस्ट एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है। इसके लिए सब स्टेप वंस अगेन ए। ए में हम क्या करेंगे कि रो आई और कॉलम जे के सारे एलिमेंट को इनफाइनाइट कर देंगे। सपोज दैट अगर सेल्समैन पहली सिटी से दूसरी सिटी पे जा रहा है तो रो 1 और कॉलम 2 के सारे एलिमेंट को इनफाइनाइट कर दिया जाएगा। बी स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिली है उसके एम जे 1 एलिमेंट को इनफाइनाइट करना है। जे की वैल्यू, चूंकि अगर मैं पहली सिटी से दूसरी सिटी की बात कर रहा हूँ तो जे की वैल्यू 2 थी, तो रिड्यूस्ड मैट्रिक के सेकेंड कॉलम के सेकेंड रो के सॉरी सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को इनफाइनाइट करना है। सी स्टेप में हम अब टोटल रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल रिड्यूस मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे ही है कि हर एक रो और हर एक कॉलम एक जीरो का होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके सबट्रैक्ट करेंगे। फाइनली वंस विल गेट अवर रिड्यूस मैट्रिक्स, तब हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे
तीन वैल्यूज़ हमें लेनी है। पहली वैल्यू तो हमें लेनी है सी कॉस्ट ऑफ आई जे। आई और जे तो हमारा यहाँ पहली सिटी और दूसरी सिटी हो गई। एक्चुअल में हम ये जो वैल्यू पिक करेंगे वो हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स से पिक करेंगे। इट मीन्स ये लिखा हुआ है एम आई जे, आई मीन्स वन, जे मीन्स टू। इट मीन्स रिड्यूस्ड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पुट होगी। देन नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ आई। कॉस्ट ऑफ आई इज नथिंग बट कि जो हमारा सोर्स नोड है उससे विजिट करने के लिए उस पर्टिकुलर नोड पे कितनी कॉस्ट आई हुई है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्या कॉस्ट आई थी, 27 आई हुई थी। एंड लास्ट में है आर। आर है टोटल रिडक्शन। राइट नाउ जो हमने रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड आउट की उसमें कितना रो में रिडक्शन हुआ और कितना कॉलम में रिडक्शन हुआ, दोनों का जो एडिशन है वही आर की वैल्यू होगी। इसी बात को अपन एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं आगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट सेल्समैन को पहली सिटी से दूसरी सिटी पे जाना है, तो आई की वैल्यू हुई 1 और जे की वैल्यू हुई 2। स्टेप नंबर ए की हम बात करें तो रो आई और कॉलम जे के सारे एलिमेंट को इनफाइनाइट करना था, इसलिए रो 1 और कॉलम 2 के सारे एलिमेंट को इनफाइनाइट कर देते हैं। ये प्रक्रिया रिड्यूस मैट्रिक्स में अप्लाई होगी। ऐसा करने पे जो मैट्रिक्स आएगी वो आप देख सकते हैं यहाँ सामने है। देन बी स्टेप में हमें क्या करना है, एम जे वन, जे की वैल्यू यहाँ 2 है, तो रिड्यूस मैट्रिक्स के सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दीजिए। यहाँ पे पहले वैल्यू 0 थी, अब वो वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। सी स्टेप, रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमने हर एक रो को चेक किया, चूंकि पहली रो में सारे एलिमेंट इनफाइनाइट हैं इसलिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। सेकेंड रो में एलिमेंट 0 नहीं था इसलिए उसका मिनिमम एलिमेंट 1 है, उस 1 से हम उस सारे रो के सारे एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे। थर्ड रो में ऑलरेडी 0 है, फोर्थ रो में 0 वंस अगेन नहीं है तो उसका मिनिमम एलिमेंट 2 है, 2 से हमने सबट्रैक्ट किया, और इसी प्रकार फिफ्थ रो में ऑलरेडी 0 है। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस सबट्रैक्शन ऑपरेशन जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो सामने है। अब हमें चेक करना है क्या हर एक कॉलम में भी 0 है कि नहीं है। यहाँ हम देखते हैं हर एक कॉलम में 0 है तो कॉलम का रिडक्शन नहीं होगा। सो फाइनली हमें हमारी रिड्यूस मैट्रिक्स मिल गई जो पहली सिटी से दूसरी सिटी पे जाने के लिए। अब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ आई, कॉस्ट ऑफ आई, आई यहाँ पे हमारा सोर्स है 1, तो कॉस्ट ऑफ 1 पहले नोड पे आने के लिए कॉस्ट थी 27, इसलिए हमने यहाँ 27 लिखा है। टोटल रिडक्शन हुआ 2 + 1 3 का, इसलिए 3 लिखा हुआ है। और अब यहाँ पे आते हैं M12, जो हमारी रिड्यूस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की वैल्यू 4 है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ वापस। यहाँ पे हमें ये रिड्यूस मैट्रिक्स मिली थी, यहाँ फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की वैल्यू सी 4 है, यही 4 वहाँ लिखा हुआ है। सो नाउ फाइनली जब हम इनका एडिशन कर देंगे हमें 34 मिलेगा। इट मींस पहली सिटी से सेकंड सिटी पे जाने की जो कॉस्ट है वो 34 है। सेम प्रक्रिया हमने पहली सिटी से तीसरी सिटी के लिए भी परफॉर्म की। सबसे पहले हमने रो 1 कॉलम 3 के सारे एलिमेंट को इनफाइनाइट किया, फिर थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को इनफाइनाइट किया, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स निकाली, यानी हर एक रो में पहले चेक किया क्या 0 है कि नहीं है। देखा हमने तो थर्ड रो में एलिमेंट 0 नहीं था तो हमने उसके मिनिमम एलिमेंट 1 से उसको सबट्रैक्ट किया। फाइनली हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिल गई। हमने फिर उसमें कॉलम के लिए चेक किया, हमने देखा कि क्या हर एक कॉलम में 0 है कि नहीं है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें 0 नहीं है, तो उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 1 थी, 1 से हमने इसको सबट्रैक्ट कर लिया। अब हमें हमारी रिड्यूस मैट्रिक्स एम डैश मिली जो पहली सिटी से तीसरी सिटी के लिए है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो M13 हमारा आई था, जे हमारा 3 था, पहली रो के थर्ड एलिमेंट अगर हम अपने रिड्यूस मैट्रिक्स में जाके देखें दैट इज़ 0। देन कॉस्ट ऑफ 1 ऑलरेडी वी नो 27, रिडक्शन कितना हुआ, टोटल 2 का रिडक्शन हुआ, रो में 1 कॉलम में 1, इस प्रकार से जो कॉस्ट आई वो है 29। इट मीन्स सेल्समैन को पहली सिटी से तीसरी सिटी पे जाने के लिए जो कॉस्ट है वो 29 है। सेम प्रक्रिया कॉस्ट ऑफ 1 4 निकाली, इट मीन्स पहली सिटी से फोर्थ सिटी पे जाने के लिए वही सेम ऑपरेशन ए बी एंड सी हमने परफॉर्म किया, टोटल रिडक्शन, देन रिड्यूस मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, और हमें हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स एम डैश पहली सिटी से फोर सिटी की ये मिल गई, जहाँ पे जब हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की तो हमें 27 कॉस्ट ऑफ आई। देन 9 की बात करें तो ये क्या है, एम आई जे, हमारा आई था 1 और जे है 4, यानी कि रिड्यूस मैट्रिक्स में पहले रो के फोर्थ कॉलम की वैल्यू 9 है, इसलिए यहाँ 9 लिखा हुआ है। टोटल रिडक्शन 2 का हुआ, सारी वैल्यूज़ को जोड़ने पर 38।
इट मीन्स पहली सिटी से फोर्थ सिटी पे जाने की कॉस्ट है 38। सेम प्रक्रिया हमने 15 के लिए किया, इट मीन्स पहली सिटी से फिफ्थ सिटी के लिए। ए ऑपरेशन, इट मीन्स रो 1 कॉलम 5 के सारे एलिमेंट को इनफाइनाइट किया, सेट एम जे 1, जे की वैल्यू 5 थी, यानी कि फिफ्थ रो के फर्स्ट एलिमेंट को इनफाइनाइट किया। करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिली, देन रिडक्शन परफॉर्म किया, देखा क्या हर एक रो में जीरो है क्या, हमने देखा हर रो में जीरो था, दैट्स वाई कोई रिडक्शन नहीं हुआ। फिर कॉलम को चेक किया गया, चूंकि यहाँ थर्ड कॉलम में जीरो नहीं था, इट मीन्स थर्ड कॉलम के सबसे मिनिमम एलिमेंट्स हमने उसे सब्ट्रैक्ट किया, और फाइनली हमें हमारी रिड्यूस्ड मैट्रिक्स एम डैश 1 to 5 यानी पहली सिटी से पाँचवीं सिटी के लिए मिल गई। टोटल कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं 27, एज यूजुअल कॉस्ट ऑफ आई, इट मीन्स पहले नोड की कॉस्ट है 0, यानी कि रिड्यूस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो से फिफ्थ कॉलम की वैल्यू 0 है, एंड रिडक्शन हमारा 1 का हुआ जो कि कॉलम में हुआ है। तीनों वैल्यू को ऐड करने पे हमें 28 मिलता है, यानी कि पहली सिटी से पांचवी सिटी पे जाने की कॉस्ट 28 है। इस प्रकार हमने सेल्समैन ने पहली सिटी से हर सिटी पे जाने की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ क्या कहता है। दिए गए ग्राफ में हम देखते हैं कि पहली सिटी से दूसरी सिटी पे जाने की कॉस्ट 34 है, पहली से तीसरी सिटी पे जाने की कॉस्ट 29 है, पहली से चौथी सिटी पे जाने की कॉस्ट 38 है, और पहली से पांचवी सिटी पे जाने की कॉस्ट 28 है। यहाँ सबसे जो लीस्ट कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट है, दैट इज़ 28, सो डेफिनेटली सेल्समैन पहली सिटी से पाँचवीं सिटी पर मूव आउट होगा। और अगर सेल्समैन पहली सिटी से पांचवी सिटी पे मूव आउट हो रहा है, तो जो हमारी अब रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स हो जाएगी, तो जो हम पांचवी सिटी पे आने के लिए रिड्यूस्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट किए थे जस्ट नाउ, अभी पहली सिटी से पांचवी सिटी पे आने के लिए दिस वन, ये हमारी अब बेस मैट्रिक्स हो जाएगी आगे के लिए। ये हम यहाँ भी देख सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस फर्स्ट स्टेप, हम यहाँ देखते हैं कि अब सेल्समैन पांचवी सिटी से आगे बढ़ रहा है, तो उसके पास अब तीन ऑप्शन बचते हैं, या तो वो पांचवी सिटी से दूसरी सिटी पे जाए, या तो वो तीसरी पे जाए, या तो चौथी पे जाए, और सेम कैलकुलेशन हम फिर से परफॉर्म करेंगे, और जहां पे भी कॉस्ट मिनिमम आ रही होगी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेल्समैन आगे बढ़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 5 to 2 यानी पाँचवीं सिटी से दूसरी सिटी पे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पांचवी सिटी से दूसरी सिटी पे, अच्छा यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी नोट्स मॉडल पे प्रोवाइड की हुई है, आप मॉडल पे जाके उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सारा का सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि जो पांचवी सिटी से दूसरी सिटी पे जाने की जो फाइनल रिड्यूस मैट्रिक्स आएगी वो ये होगी, और जो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है दैट इज़ 38, यानी पांचवी सिटी से दूसरी सिटी पे जाने की जो कॉस्ट है दैट इज़ 38। देन पांचवी सिटी से तीसरी सिटी का अगला ऑप्शन था, इसका पूरा कैलकुलेशन इसलिए किया गया है चूंकि क्या है, यही हमारा पाथ है जो आगे एक्सप्लोर करेगा। तो पांचवी सिटी से तीसरी सिटी, इट मींस फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम के ऑल एलिमेंट को हमें इनफाइनाइट कर देना है, सेट एम डैश 31, इट मींस थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को इनफाइनाइट कर दीजिए, रिड्यूस मैट्रिक्स, हर एक रो और हर एक कॉलम में एक जीरो का होना कंपलसरी, हमने देखा रो में थर्ड रो में जीरो नहीं था इसलिए -1 से रिड्यूस किया क्योंकि -1 उस रो की सबसे मिनिमम वैल्यू थी। कॉलम का रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि हर एक कॉलम में ऑलरेडी जीरो अवेलेबल है। तो फाइनली हमारा पांचवी सिटी से तीसरी सिटी के लिए रिड्यूस्ड मैट्रिक्स सामने है आपके, और जो टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ आई यानी हमारा सोर्स, यहाँ पे सोर्स हमारा 5 है और पांचवी सिटी पे आने पे जो कॉस्ट थी दैट वाज 28, इसलिए यहाँ 28 है। हमारा जो रिडक्शन हुआ है वो 1 का हुआ है इसलिए लास्ट वैल्यू यहाँ पे 1 है, और पहली वैल्यू 0 इसलिए क्योंकि जो हमारी रिड्यूस मैट्रिक्स एम डैश मैट्रिक्स थी जो हमने ली हुई है उसमें फिफ्थ रो के थर्ड कॉलम की वैल्यू 0 है, तीनों वैल्यू को ऐड करने पे 29 आ रहा है, इट मीन्स पांचवी सिटी से तीसरी सिटी पे जाने की कॉस्ट 29 है। सेम प्रोसेस फॉर फिफ्थ सिटी टू फोर्थ सिटी एंड टोटल कॉस्ट विल बी 29। इस प्रकार से पांचवी सिटी से तीन ऑप्शन थे, दूसरी तीसरी या चौथी सिटी, उन तीनों ऑप्शन का कॉस्ट कैलकुलेट हो गई है। हम देखते हैं हमारा ग्राफ क्या कहता है, या हम देखते हैं कि पांचवी सिटी से दूसरी सिटी पे जाने के लिए कॉस्ट 38 है, तीसरी सिटी पे जाने की कॉस्ट 29 है, और चौथी सिटी पे भी जाने की कॉस्ट 29 है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आया कि यहाँ पे हमारी तीसरी सिटी और चौथी सिटी दोनों की कॉस्ट सेम है, तो सेल्समैन किस सिटी में आगे बढ़े। As we people are going to solve this problem by using a computer, और computer हमारा left to right scanning करता है, order को follow करता है, इसलिए तीन पहले आ रहा है यानी तीसरी सिटी पहले आ रही है, तो तीसरी सिटी पहले explore होगी। तो इसके लिए जो cost matrix, reduce matrix होगी वो just now जो हमने पांचवी से तीसरी सिटी के लिए जो calculation में जो reduce matrix निकाली जो कि सामने लिखी हुई है,
इसी पे हम बेस मैट्रिक्स मानते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरी सिटी से अगर आगे के लिए प्रोसीड किया जाए तो दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो दूसरी सिटी पे सेल्समैन चला जाए या तो चौथी सिटी पे चला जाए। दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कहाँ रिडक्शन है। तो तीसरी सिटी से दूसरी सिटी पे अगर जाता है तो हम देख रहे हैं यहाँ टोटल कॉस्ट आ रही है कैलकुलेट होकर 48। इसका भी कैलकुलेशन नोट्स में प्रोवाइड किया गया है। अब अगर दूसरा ऑप्शन आता है कि थर्ड सिटी से फोर्थ सिटी पे आगे बढ़ता है तो हम यहाँ देखते हैं कि थर्ड से फोर्थ सिटी की बात हो रही है, यानी थर्ड रो और फोर्थ कॉलम के सारे एलिमेंट को इनफाइनाइट कर दीजिए। M41 यानी J हमारे यहाँ 4 है, इसलिए फोर्थ रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दीजिए। फाइनली अपन को रिड्यूस मैट्रिक्स निकालनी है। रिड्यूस मैट्रिक्स के लिए अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि ना तो कोई रो ना तो कोई कॉलम ऐसा है ही नहीं कि जिसमें अपन को रिडक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए हमारी फाइनल रिड्यूस मैट्रिक्स आती है M34 यानी थर्ड सिटी से फोर्थ सिटी के लिए, जो कि सामने है। अब टोटल कॉस्ट की बात की जाती है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, चूंकि हमारा कॉस्ट ऑफ आई हमारा यहाँ पे सोर्स नोड है 3, तो थर्ड सिटी से आगे बढ़ने पे जो कॉस्ट थी, थर्ड सिटी पे आने पे जो कॉस्ट थी दैट वाज 29। रिडक्शन हमारा कुछ भी नहीं हुआ इसलिए 0। एंड अगर हम बात करें हमारी रिड्यूस मैट्रिक्स के, थर्ड रो का फोर्थ एलिमेंट 0 है, तीनों वैल्यू को ऐड किया 29, इट मीन्स थर्ड सिटी से फोर्थ सिटी पे आगे बढ़ने पे जो कॉस्ट है दैट इज़ 29। हमारा ग्राफ कहता है ये कि थर्ड सिटी से सेकंड सिटी पे जाने पे कॉस्ट 48 आ रही है, थर्ड सिटी से फोर्थ सिटी पे थर्ड सिटी से सेकंड सिटी पे जाने पे कॉस्ट 48 है, थर्ड से फोर्थ पे जाने पे कॉस्ट 29 है, इसलिए लीस्ट कॉस्ट फोर्थ सिटी पे आने पे है। तो सेल्समैन थर्ड सिटी से फोर्थ सिटी की तरफ मूव आउट होगा। अगर वो फोर्थ सिटी की तरफ मूव आउट होगा तो जस्ट नाउ जो थर्ड सिटी से फोर्थ सिटी के लिए रिड्यूस मैट्रिक्स निकाली थी वही एज अ बेस मैट्रिक्स अपना काम करेगी, जो कि सामने लिखी हुई है। तो कॉस्ट ऑफ फोर्थ सिटी से सेकंड सिटी कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ रो सेकंड कॉलम के ऑल एलिमेंट को इनफाइनाइट कर दीजिए, M21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दीजिए। रिड्यूस मैट्रिक्स कोई भी रिडक्शन नहीं होगा क्योंकि ना तो रो में ना तो कॉलम में, हर जगह या तो जीरो है या तो इनफाइनाइट हो, कोई वैल्यू है ही नहीं है। तो फाइनली हमारी जो रिड्यूस मैट्रिक्स आ रही है वो आपके सामने है, ऑल एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट एंड जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 29। कैसे है 29? क्योंकि 29 हमारी सोर्स नोड यानी कि फोर्थ सिटी से प्रोसीड करने पे, इट मींस फोर्थ सिटी पे कॉस्ट 29 थी, रिडक्शन 0 हुआ। और अगर हम अपनी रिड्यूस मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो फोर्थ रो का सेकंड कॉलम की वैल्यू 0 है, सारी वैल्यू ऐड करने पे 29 आता है। इट मींस अगर सेल्समैन फोर्थ सिटी से सेकंड सिटी पे आगे बढ़ता है तो कॉस्ट 29 आएगी। फाइनल ग्राफ में हम देखते हैं कि सेल्समैन पहली सिटी से पांचवी सिटी पे जाता है जहाँ पे कॉस्ट 28 आई, पांचवी से तीसरी पे गया जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट 29 थी, तीसरी से चौथी सिटी पे गया जहाँ का मिनिमम कॉस्ट 29 थी, चौथी सिटी से सेकंड सिटी पे गया जहाँ मिनिमम कॉस्ट 29 थी। इस प्रकार मिनिमम कॉस्ट जो है वो हमारी 29 है और जो टूर विजिट हुआ वो 1 to 5th सिटी, 5th टू 3rd सिटी, 3rd टू 4th एंड 4th टू 2nd सिटी है। इस प्रकार अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम इन विच वी नीड टू फाइंड आउट द मिनिमम कॉस्ट, जिसमें कि सेल्समैन ऑल सिटीज़ को विजिट कर सके। थैंक यू एवरीवन।